ठीक है ना, बोलना 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 बचा नहीं रे, तुम्हें जो करना पड़ा है भाई, हम पहले बोल दिए थे सुबह के बारे में जरूर, एक मिनट भाई 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 थोड़ा सा, अरे फोटोग्राफर भाई साहब, ए भाई फिर से वही हो रहे, bye 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 now मैं तो
क्या मैडम भाई हटल हो तीन चार बोल रहे हैं, यहाँ कहाँ पे रखना है, सेंटर रखे हैं सामने, है ना। उम्मीद तो की थी, लेकिन इतने प्यार की उम्मीद नहीं की थी। ऑनेस्टली लोगों ने इतना भरपूर प्यार दिया है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब वो जो ट्रॉफी नहीं जीत पाया मैं, ऐसा लग रहा है बहुत सारी ट्रॉफी जीत ली है मैंने अब, और कमी नहीं छोड़ी लोगों ने कोई भी प्यार देने में कि भाई वो गम मैं भूल जाऊं। मैंने कशिश को इनवाइट जरूर किया है, क्योंकि मतलब बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी, बहुत लोग उसको बैश कर रहे थे, शी इज़ नॉट फीलिंग फाइन, मेरे को थ्रू थ्रू पता लगा। मैंने इनवाइट किया है, आई डोंट नो शी विल कम और नॉट, बट मैंने अपनी साइड से इनवाइट किया है। नहीं नहीं, डेफिनेटली मैं अपने जो मेरे चाहने वाले उनको भी यही बोलता हूँ कि यार अगर तुम ऐसी चीज कर रहे हो ना, तो फिर ऐसा मत बोलना कि भाई तुम दिग्विजय के फैन हो या वैसा करते हो। इनफैक्ट मैं वॉइस नोट्स वगैरह डालता रहता हूँ ब्रॉडकास्ट में कि भाई ठीक है, अपना तुम गुस्सा दिखा सकते हो जिस तरीके से तुम्हें दिखाने, जो चीज़ तुम्हें नहीं सही लग रही है, लेकिन किसी को इतना गंदा बोलना, गालियाँ वगैरह देनी, आई डोंट फील दैट इज राइट। आई थिंक दिग्विजय के कोई भी स्पेसिफिकली फैन पेज तो ये चीज़ नहीं जा रही होगी, और ऐसी जा रही है तो डेफिनेटली आज इसने वॉइस नोट में बोला है, अपने और भी इंटरव्यूज में इसने बोला है, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। आई सपोर्ट कशिश इस मामले में कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई हेट ना है ऐसे ज़्यादा, बिकॉज ये जो आपने वर्ड्स यूज़ करे हैं बहुत बड़ी चीज़ है, और किसी लड़की को ऐसे आ रहा है तो डेफिनेटली हम इसको और ध्यान रखेंगे और लोगों को बोलेंगे कि ऐसा कुछ ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऑफ कोर्स मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल। डेफिनेटली मैं बता दे रहा हूँ, वॉइस नोट मैंने ब्रॉडकास्ट में डाला और वो स्टोरी में शेयर किया है, जो मेरे चाहने वाले वो डेफिनेटली मेरे को लगता है वो वॉइस नोट सुनते होंगे, एंड कहीं ना कहीं काफी हद तक लोग मान जाते हैं मैं जो बोलता हूँ। एंड अगेन, अगर यहाँ पे इतने सारे लोग जो भी देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को या जिस भी चीज को, अगेन मैं अर्ज करना चाहूंगा, गाइज शो हैज बिन डन, इट्स ओवर, जो चीज होनी थी वो हो चुकी है, लेट्स मूव ऑन, आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं, एंड उस इंसान को हेट देना ही बंद करते हैं, लेट हर लिव, एंड आप लोग भी जियो यार। रिलेशनशिप से तो जो फिनाले था उसके बाद काफ़ी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई थी, एंड फिर शो निकला जैसे जैसे थ्रू आउट हमने कंफर्म बात की हुई थी कि जो मेरे दिल में होगा मैं बोलूँगा सोशल मीडिया में, जो तेरे मन में वो बोलियो एक दूसरे के अगेंस्ट। बट जब उस महापुरुष ने इनको इन्वॉल्व कर लिया और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बातें बोल दी, देन आई वॉज लाइक नहीं भाई, अब दोस्ती नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बहुत बिलो द बेल्ट चला गया। अगर शो से रिलेटेड कुछ उसके बारे में बोलता तब भी फाइन होती चीज़ें, बट नहीं हो पाई। अगेन मैंने जनता जूरी में सोचा था कि भाई चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, देन अगेन उसने वो अपनी थर्ड क्लास हरकत दिखाई, एंड
आज मेरा बहुत मन था इनवाइट करने का, लेकिन अगर जनता चूरी में वो चीज नहीं हुई होती तो मैं डेफिनेटली उसे बुलाता, क्योंकि आज सब मैं चाहता हूँ खुश हो गए यहाँ से जाएं, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई आता पाई ना हो, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। नहीं, हर्ष और शाली को मैंने इनवाइट भेजा, आई डोंट नो दिल कम और नॉट। मैंने ट्राई किया था, सबको ही ऑलमोस्ट इनवाइट भेजा है, बट एक इंसान जिसकी वजह से वायलेंस हो जाती है, मैं वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे जो लोग आए हैं इनको भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से सिर्फ उन्हें नहीं गया, बाकी सबको मैंने इनवाइट्स भेजे, पर्सनली कॉल्स भी किए कि जरूर आना, विल एंजॉय दिस मोमेंट। नहीं, मैंने बोला है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डिजर्व नहीं करता या मेरे साथ नहीं होता तो मैं फॉर श्योर जीत जाता, यू नो वो तो चैलेंज पे डिपेंड करता है, बट मेरे को चैलेंज परफॉर्म करने का चांस नहीं दिया गया, बट आई वुड डेफिनेटली से कि आकृति हैज गिवन अ लॉट टू द शो, जसवंत वाज अ ग्रेट परफॉर्मर थ्रू आउट द शो एंड आई थिंक इट इज दे डिजर्व टू विन डेफिनेटली। बताओ जी बताओ। डेफिनेटली अगर अपॉर्चुनिटी मिलती तो क्यों नहीं। अच्छा अच्छा, अपॉर्चुनिटी मिली नहीं अब तक। ये सारी खबरें मुझे आप लोगों से मिलती है या जो मेरे चंडीगढ़ में दोस्त बैठे हैं उनसे मिलती है कि भाई तू बिग बॉस में जा रहा है, बताया नहीं तूने, पार्टी दे, ये कर वो कर। मैं कहा भाई पहले मुझे पता लग जाए, मुझे कंफर्मेशन हो जाए, फिर आगे बात करेंगे। बट नहीं, डेफिनेटली ग्रज वाली फीलिंग तो आज ही मैंने हटा दी, आज ही खत्म कर दी है, बल्कि मैं सोच मतलब उस टाइम मैंने सोचा फिनाले के टाइम में शायद कभी दोस्ती नहीं हो पाएगी या कुछ बात भी नहीं हो पाएगी, बट तभी मैंने सोचा, आज स्टेप लिया, मैं बहुत सोच रहा था कि यार इनवाइट करूँ ना करूँ, पता नहीं क्या चीज़ें, देन आई वाज लाइक आई विल इनवाइट हर, रेस्ट इज अप टू हर, एंड कोई ग्रज वाली चीज़ अब नहीं रहेगी, शो हैज बीन डन, आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ एंड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है लोगों का, तो आई गेस ये सब चीज़ें अब पीछे छोड़ देनी चाहिए कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, मेरे को कोई प्रिंस भाई से ग्रज नहीं है, मतलब अभी भी उन्होंने फिनाले के बाद स्टोरी डाली मेरे लिए, आई सेड थैंक यू, एंड आज भी होपफुली इनवाइट गया है, वो आएंगे यहाँ पर, एंड बीच में काफी टाइम कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, बट I have always said that कि मैंने देखा है as a bigger person उन्हें and उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने coming into the reality shows. Thank you, thank you. Relationship? नहीं नहीं, दोस्त साथ में नहीं खड़े हो सकते ऐसे। बताओ भाई। यार एक दोस्ती है ये खिलाता है बस हमें। Thank you so much. अरे साहिर तो पीछे का। हेलो, नहीं लगा, प्लीज।
यहाँ पे श्रद्धा के किसान ये सही ना देंगे क्या देंगे नहीं नाम लिखा है ना देखो तो सक्सेस पार्टी को भूल जाएगा सर बैठ हेलो एक तरह क्या बोलना है चलो चलो आओ कुछ कंट्रोवर्शियल है कंट्रोवर्शियल आ जाओ आओ अच्छा सुन जाओ ओके सो व्हाट आर वी सपोज टू से समथिंग गुड थिंग्स अबाउट या सो शो खत्म हो गया Honestly, हम लोग तो बहुत खुश हैं because I think ये वाला season दिग्विजय के नाम हो गया. He has won everyone's heart and he has done so good. I think first time reality show में किसी ने इतना बड़ा achievement किया है and very happy for him. Very happy. आई थिंक हमने अपनी जर्नी साथ ही स्टार्ट की है एंड बहुत अच्छा लगता है दिन के लिए बिकॉज तब से लेकर अभी तक हम लोग लगातार टच में थे चाहे उसकी स्पीड से जर्नी को जाने को लेकर हो या अभी भी हो अभी भी हम लोग टच में अभी उनको पार्टिसिपेट करने आने साथ के हो गया साथ में ग्रो कर रहे हैं एंड आई थिंक बहुत अच्छा लगता है वो भी बिना किसी बैकअप के आया था मुंबई में बिना किसी बैकग्राउंड के आया था लाइक भी आई थिंक बहुत अच्छा कर रहा है एंड आगे भी बहुत अच्छा करेगा वो फिल्म जो होनी थी शो में न्यू जर्नी न्यू न्यू फ्रेंड्स न्यू पीपल्स आई थिंक बहुत अच्छा लगा हमारा एक महा एपिसोड शूट हो रहा है मुझे वापस मिलने का मौका मिला तो सबसे पहला जो मिनिस्टर था वो उनके साथ ही था और ऋषभ थोड़ा इधर आ जाओ थे सो गौरव सर के साथ भी आज मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई एंड वो तो हमें निर्मित के नाम से ही जानती हूँ मेरा डायरेक्टर नेम था सो बहुत अच्छा लगा आज एंड कल भी शायद हमारा शूट है सो मुझे फिर से कैमरा ऑब्वियसली शोज होते ही ऐसे हर दिन कुछ नया ट्विस्ट आता है कभी कोई घर से बाहर जाता है कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है दैट्स द वे इट वर्क्स तो फुल ट्विस्ट तो आने ही वाला है बट वो क्या आएगा वो ऑडियंस जो देखती है वो ज्यादा रिलेट कर पाएगी आता है बट आपको पता ही है आप मैं सेट पे रहता हूँ मेरे पास अभी डेट्स नहीं है तो आना ना आना वो बात की बात है बट आई थिंक गॉड्स प्लान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भगवान चाहेंगे तो बिग बॉस में भी जाएंगे बट अभी होपफुली आई एम ऑलरेडी डूइंग नाइस एंड मैं राजेंद्र सर के अंदर अभी बहुत अच्छा कर रहा हूँ Come back.
भाई कैमरे हेलो 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 व्हाट्सएप मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टैगलाइन रही है मेरी जर्नी में हार के जीतना है बिकॉज मैंने चार रियलिटी शो किए बट जीता एक ही था बट थ्रू आउट द होल जर्नी मुझे समझ में ये आया कि जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता जीतना होता है ये सब आप लोग को आप लोग के दिल आप लोग का अप्रिसिएशन आप लोगों का प्यार विच इज वाई आफ्टर 8 years ऑल्सो आई एम स्टिल एट लीस्ट डूइंग समथिंग इन द गेम आई डिडंट रियली लाइक दैट आई थिंक शी कुड हैव बीन अ लिटिल मोर स्मार्ट वो दिग्विजय के साथ रह के जीत के भी पैसा लेके घर जा सकती थी तो जीतना और पैसा और साथ में बोनस होता दोनों हाथ भरे होते तो आई थिंक दैट वुड हैव मेड अ लॉट मोर सेंस थैंक यू इट्स अ ड्रीम टू बी वर्किंग विद बालाजी मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि बिना एक्टिंग एक्सपीरियंस के बिना कोई वर्कशॉप बिना कोई क्लासेस थिएटर के I managed to get a Balaji show with Z, which is like a prominent show, as a lead, or alhamdulillah, I'm able to do it, and you guys are liking it. Isse badi baat aur kuch nahi ho sakti. So I'm glad it's working out. Zarur, zarur. It's one of my bucket list. Aur Bigg Boss to inshallah aaj nahi kal karenge. I will not say like everybody ki mujhe calls aate hain, main nahi karta hu and all that. बट हमेशा कुछ ना कुछ बातें होती है बट कोई रीजन से वो नहीं हो पाता है इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल सकता था कि नहीं सॉरी आई एम बिजी विद द शो बट एक साल आएगा जिस दिन मैं आऊंगा और आप सब खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू सो मच गाइस हैव अ ग्रेट नाइट एंजॉय सर सेंटर थैंक यू सर उठा के बोलने लगे दिग्विजय को स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहा हूँ मैं दिग्विजय मेरा बाहर से दोस्त है तो थ्रू आउट जर्नी साथ रहा हूँ मैं बढ़िया पीछे से देखा है कमरे के अंदर से देखा है बढ़िया लड़का है जी बहुत ही ज्यादा क्रेजी था मतलब आप लोग वो एक्सपीरियंस करेंगे देखे जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ उर्फी जावेद की बहन बनके सो आई मीन यू गाइस हैव टू फॉलो कर लो यार थैंक यू
यार बहुत अच्छा सीजन गया हमारे लिए, तो यही बेस्ट होता है कि हर सीजन रोडीज और स्पिट्सला का हिट जाए, यू नो, तभी आगे जितना भी हमारा क्रू है वो खुश रहता है और हम खुश रहते हैं। सो इस बार बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है। मैं चंक में देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अभी बाप बनने वाला हूँ तो उसमें बिजी रहता हूँ, बट जितना भी देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है कि यार जब रोडी से सीख के और आगे जाते हैं और नए बच्चे भी आते हैं तो कितना अच्छा करते हैं लाइफ में, और यही शो ऐसा है जो फ्रेशर्स को मौका देता है। सो उसके बाद उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है, आई एम वेरी हैप्पी दे आर डूइंग वेरी गुड एंड वो अपनी जर्नी बेस्ट खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा यार, जब रणवीर जी भाई की गैंग में आया था और उसके बाद मैंने लाइफ में अच्छा किया तो रण भाई को भी बहुत अच्छा लगता था कि यार मेरे गैंग से लेकर लड़का कहाँ पहुँच गया। अब मेरे गैंग में हो या ना हो, रोडीज में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लोग अच्छा करें तो हमें बहुत खुशी मिलती है, और चाहे दिग्विजय हो चाहे शिविर तो कोई भी हो, दे आर डूइंग वेरी गुड। पॉजिटिव नेगेटिव शो में चलता है क्योंकि वो शो की स्ट्रेटजी होती है, बाद में आके सब एक होने चाहिए, बस लास्ट में मौका यही है। देखो दोनों की अपनी स्टोरी है, ठीक है, अगर दिग्विजय के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत ही गलत है क्योंकि उसके अपने सपने थे, टाइटल सबसे बड़ा होता है वो पैसे नहीं, और अगर उसकी स्टोरी देखी जाए, अगर उसको एक्चुअली में पैसों की जरूरत थी, मेरे को नहीं पता थी या नहीं थी, ये मुझे नहीं पता, अगर थी तो फिर इट्स अ फेयर चॉइस तुम्हें चुनने के लिए कि यार तुम पैसा चुटके जा रहे हो। अभी भगवान की दया से इतना कोई तंग नहीं करती हो, बट यस हम दोनों ऐसे हैं कि हम जागते ही रहते हैं, सुबह ही सोने को मिलता है तो कभी रात को भी नींद आती है, कभी दिन में नहीं आती है, और कभी दिन में आती है रात को नहीं होता, तो वही टाइम चलता जाता है। बहुत ही प्यारी जर्नी है और आई विश सबके सबकी जर्नी ऐसे ही निकले जैसे मेरी निकलती है, और मैंने पहले बहुत सुना था, डर लगता था बाप बनने में, पर अभी जब बने हैं तो बहुत अच्छा फील आ रहा है। आई वॉन्ट बेबी गर्ल, युविका वॉन्ट बेबी बॉय। थैंक यू भाई साहब,
बाप रे उठाना पड़ेगा भाई। मतलब इट्स अ गुड फीलिंग कि यार भले ही जो भी हुआ एंड में आई फील लाइक जो भी हुआ एंड में वो सब साइड में रखते हुए आई फील लाइक ही प्लेड द ओवरऑल गेम रियली वेल। एंड मतलब मैं तो भाई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि आई विल फेस द मीडिया। मैं तो भाई अपने दोस्त के लिए आया, उसने कॉल किया, उसने बोला आ जा भाई, क्योंकि भले ही कितने भी झगड़े हो रहे हैं सब दोस्त कैसे भी है भाई, मेरी तो पर्सनली कभी किसी से प्रॉब्लम रही नहीं है, स्पेशली दिग्विजय से तो बिल्कुल नहीं रही है। तो आई एम हैप्पी फॉर हिम मैन, आई एम हैप्पी फॉर हिम। यार आई फील लाइक कि जो भी डिसीजन कशिश ने लिया था वो अपने लिए लिया था, राइट? तो हम लोग कोई होते नहीं है उसको जज करने वाले। बुरी बात यही है कि यार उसने किसी और की अपॉर्चुनिटी छीन ली, दिग्विजय उसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाया, तो हाँ गुस्सा होना बनता है, बट थ्रेट्स और हेट देना तो आई डोंट थिंक दैट्स राइट। मतलब होता है कभी कभी ऑडियंस को पसंद नहीं आता अगर मैं उसके फेवरेट स्प्लिट्स विलन के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, बट सबको पता है कि मैं पर्सनली, मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग पर्सनली काफ़ी हंसी मजाक में लेते हैं। तो आई फील लाइक हाँ थोड़ा ऑडियंस धीरे धीरे समझ रही है कि हाँ हंसी मजाक चल रहा है, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। चलो बात करते हैं थोड़ा सा। चलो कैसे हो आप लोग? सही है। क्या क्वेश्चन है आकृति, कहाँ है? दो क्वेश्चन है अभी। आकृति काम में थोड़ा बिजी है, शायद वो आएगी अगर काम खत्म होता है, लेकिन मैं भी थोड़ा 10-15 मिनट के लिए आया हूँ, काम मेरा भी है, लेकिन देखिए इतना प्यार से बुलाया ना तो सोचा कि आके मिल लूंगा, कंग्रेचुलेट कर लूंगा, अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा ना, सोच जीते हैं, तो सोचा कि थोड़ा सा। तो बहुत अच्छा खेला दिग्विजय ने, जनता का प्यार कमाया है इसने, और आई थिंक दिग्विजय आकृति और हम शो की थोड़ा यू नो स्टार्स है, सोचा कि आज आके विश कर लेते हैं बस। फाइनली जो शो में जो राइवलरी चल रही थी आज आपने पार्टी वाकिंग को खत्म कर दिया। ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं कि राइवलरी चल रहा था, कॉम्पिटिटर है लेकिन हमेशा वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहा है। सो आई ऑलवेज सीन हिम एज फियर्स कॉम्पिटिटर, ही सीन मी एज अ कॉम्पिटिटर, और खास हम फिनाले में कम्पीट कर सकते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और फिर हम देख सकते हैं कि कौन सबसे बेस्ट परफॉर्मर है और डिजर्विंग विनर है। मे बी इट्स फॉर अनदर रियलिटी शो, हु नोस। भाई आप एक बार सक्सेस पार्टी दीजिए, आपकी तरफ से विनिंग पार्टी का होस्ट की जा रही है? विनिंग पार्टी हमें स्क्रीनिंग होस्ट किया था विनर्स के लिए, और पार्टी तो हमेशा होता है, लेकिन मैं आप सब लोगों को बुलाऊंगा एक दिन फॉर श्योर, हम सब खूब बात करेंगे। यार देखा ये गेम शो है तो ऐसे ट्विस्ट आते हैं, कहीं ना कहीं आई वुड से कि इफ दिग्विजय स्टक टू हिज पार्टनर उन्नति फ्रॉम द बिगिनिंग
बेटर होगा, लेकिन कशिश भी उसके हिसाब से ठीक किया, बट एक गलती किया कि उसने वो मिडिल क्लास एक्सक्यूज यूज़ किया, तो इसीलिए बहुत हेट मिल रहा है। अगर गर्व से बोलते हैं कि मैं गेम खेला था, मुझे नहीं लगा कि जशवंत आकी से जीत सकता हूँ या फिर हर्ष और विशाल कहकर जीत सकता हूँ, तो फिर वो सही है। लेकिन वो एक्सक्यूज जो मिडिल क्लास वाला है ना, वो लोगों ने बहुत देखा है और वो एक्सक्यूज कुछ सेंस में ही नहीं था। यार मुझे सलमान भाई तो मिलना है एक बार फॉर श्योर, उसका जो ऑरा है मुझे वो एक्सपीरियंस करना है, उसके साथ बात करना है, शायद एक मूवी में मिलूंगा वरना बिग बॉस में मिलूंगा, क्या बता, लेट्स सी हाउ द लाइफ गोस। चलो मुझे भी मजा आया, थैंक यू गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय 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 बाय। एक बार मेरी मेरी बहन खड़ी है ना, उसको खराब साथ में कर ले, सोलो सोलो क्या करेंगे, सोलो सोलो करते हैं ज्यादा फिटर रहे, सोलो सोलो करते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ। चलो भाई गुड टू सी यू, भाई क्या बोलना चाहेंगे, आज अलग एनर्जी है, सक्सेस पार्टी है, अक्षय भाई एक एक करके सबसे बात करते हैं, यस यस, अरे यार वो मेरे ख्वाबों में आ जाऊंगा,
क्वेश्चंस प्लीज। भाई देखो मुझे ऐसे लगता है कि जब अपने दोस्त आगे बढ़ते हैं लाइफ में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है अपने लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना। एंड डेफिनेटली मैंने दिग्विजय का करियर देखा है, इन दो सालों में काफ़ी पीक पे गया है और लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है। स्पेशली मेरी दिग्विजय और लक्ष्य की जो जोड़ मतलब ना जोड़ी तो मैं नहीं बोलूँगा, जोड़ी इन दोनों की है, बाकी मैं इनके कबाब में हड्डी की तरह हूँ। तो बहुत प्यार दिया आप सब लोगों ने कॉलोनी के लॉन्डो को और दिग्विजय सचिन और लक्ष्य को, एंड आई एम रियली हैप्पी। मैं चाहता हूँ ऐसी पार्टीज वो हर दिन सेलिब्रेट करें, हर दिन मनाएं और बहुत तरक्की करें लाइफ। यार देखो मुझे ऐसे लगता है कि एक शो पे लड़ाई झगड़े प्यार मोहब्बत सब होता है। अगर आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो तो आपको चीज़ों से यू नो फॉरगिव करना पड़ता है कई बार, बी अ बिगर पर्सन। अगर कशिश आई है तो आई एम रियली हैप्पी गाइस। गाइस देखो मैं डेफिनेटली नहीं सपोर्ट करूंगा कि कोई अपने सपनों के पीछे पैसा चूज करे। अगर मैं होता तो शायद मैं भी फिनाले चूज करता, बट देखो हर किसी की चॉइस है, क्योंकि कशिश भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ऐसी बात नहीं है। मैं उसको कभी डीफेम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं उसके यू नो फेवर में ना बोलूँ। उसकी जो मजबूरियाँ हैं, जो चीज़ें उसकी रही हैं लाइफ में, उसकी वजह से उसने जो भी स्टेप लिया वो उसके लिए ठीक है। सही गलत सिर्फ नज़रिया कैसे देखना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। उड़ती हुई तो मुझे भी आ रही है, अब उड़ती हुई खबर जल्दी सच हो जाए इतनी दुआ करो बस तुम लोग। तो अभी थैंक यू सो मच गाइस, लव यू। हाँ जी, हाँ जी गाइस, कैसे? यार मैं ये बोलूँगा दिग्विजय की सक्सेस में मुझे पर्सनल सक्सेस फील होती है, क्योंकि भाई है मेरा और ये मुझे लगता है हम सबकी सक्सेस है। इस पार्टी को हम लोग दिग्विजय की सक्सेस बोल रहे हैं, हम वो एक ही लोग हैं, दिग्विजय हो चाहे मैं हूँ चाहे सचिन है उन्नति, हम सबको एक ही फील होता है। चाहे हमें से कोई भी आगे जा रहा है तो सब आगे जा रहे हैं, तो मज़ा आता है। सी सीन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे में भाईचारा हम लोग दिखाते नहीं है, बट हमारे में भाईचारा है जो स्टार्टिंग से ही होता है। हम लोगों ने आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम एज अ फ्रेंड, भाई फील होता है, तो वो भाई ऐसा लगता है कि यार हाँ जो है तेरा है मेरा है सेम सीन है। शो में भी हमने देखा था कि कनेक्शन चूज करने के बाद सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देते थे, तो वो जब भाई एक शो में भी दिखता है तो वो कैसे फील होता है? यार ऐसा होता था ना कि स्टार्टिंग से मैं वो कभी कभी ऐसा होता था कनेक्शन को दिखा रहा, लोग कहते थे, लोग लड़ते थे मुझसे, नहीं नहीं वो ये देख कनेक्शन को चूज कर रहा है तो ये चूज नहीं कर रहा, बट मैं कहता था भाई कोई नहीं यार ये अंडरस्टैंडिंग है। उसकी एक स्माइल से लोग जलते थे, मैं उसकी एक स्माइल से समझ जाता था करना क्या है। यार मैं ये कहूँगा कि यूथ जो कर रहा है ना, इट इज़ अभी यूनाइट होने का बहुत बहुत बड़ा रीज़न है हमारे पास। अगर आज हम लोग नहीं कुछ कर पाए तो आई गेस वो चीज़ें आगे भी फॉरवर्ड होंगी, जो कि कभी नहीं होनी चाहिए यार। और आई गेस हर एक इंसान को अपने के इनिशिएटिव लेना चाहिए, छोटे से छोटा बंदा जो जितनी हेल्प कर सकता है, लोग इनकरेज कर सकता है, लोगों को समझाना एड्रेस करना इस समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस हम लोग सारे इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, हम लोगों का मेन काम ही है कि इस समय लोगों को इन्फ्लुएंस करके हम लोग समझा पाए, हमारी पावर का यूज़ कर पाए, ताकि लोग समझे कि ये सब चीज़ें बहुत बेकार हैं। यार मैं कहता हूँ जो कशिश को रेट थ्रेड दे रहे हैं, ऑनेस्टली इफ यू थिंक दैट यू आर आप हमारे दोस्त हो या आप हमें सपोर्ट कर रहे हो तो आप झूठ कह रहे हो और सिर्फ आप अपने अंदर की भड़ास निकाल रहे हो, और आपसे गंदा इंसान कोई है नहीं। अगर आप किसी लड़की को रेप थ्रेट दे रहे हो, इट्स नॉट अबाउट ओनली कशिश, कशिश को तो दे ही रहे हो और किसी को भी दे रहे हो, तो आपसे गंदा इंसान है नहीं। पांच मतलब 10 उंगलियां दिए इसे कहीं अच्छे से नहीं यूज करो, बेटर देन दिस इज टाइपिंग ऑल दीज थिंग्स। और इनके पता रियलिटी में ही होता है, ये लोग लिख देते हैं, इनके बस ही कुछ नहीं है। अगर रियल लाइफ में कुछ करोगे तो बड़े बनो आगे, सब लिख के कुछ फायदा नहीं है। यार उड़ती उड़ती खबर वही कह रहे हैं ना, सबकी तरफ से आ रही है, बट ऑनेस्टली कुछ चीज़ें हैं जो अभी रिवील नहीं करी जा सकती, अगर कुछ होगा तो पक्का रिवील करेंगे। किसको? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज यार, नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक यू।
सिविल फीलिंग से भाई हाँ जी पूछिए। आप अच्छा लग रहे निखिल जी, तो आपको देखिए सांस में देखिए अच्छा लग रहा है। निखिल जी किस पार्टी में आप आए हो, कितना प्यार अच्छा फील करते हो, वैसे आपका दोस्त कितने मुझे पहुंच जाता है। आई हम तो हैप्पी है, बहुत खुश है हम। ओके वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिग्विजय, इज इट ओके नाउ? हाँ सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिग्विजय सक्सेस। कहाँ देखो देखो हो रहा है, स्पीक दिग्विजय को लगेगा तो लगता सारे। सो भाई के लिए बहुत खुश है यार, एक्चुअली स्प्लिट्सविला का सक्सेस पार्टी में भी हम लोग नहीं आ पाए किसी रीजन के वजह से, बट दिग्विजय ने बुला लिया वापस और हम दोनों इसलिए साथ पे आ गए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो गई थी स्प्लिट्सविला में भी। अभी वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ एंड दोस्त के सक्सेस मीन्स वो इक्वली हमारा भी एक सक्सेस जैसा लगता है हमें, सो इक्वली एंजॉयिंग इज सक्सेस टुगेदर। Done. Done. Thank you. Wait. सॉरी दिग्विजय की सक्सेस पार्टी, दिग्विजय को यही बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, इतना लव और सपोर्ट उसे मिल रहा है, जो उसे मिलना भी चाहिए था वो डिजर्व भी करता था, और आई होप आगे भी मिलता रहेगा। अच्छा बंदा है, जेन्युइन है, ऐसी लाइफ में करते रहेगा तो बहुत आगे जाएगा और आगे जा भी रहा है। बस यही बोलना चाहूँगा अपने भाई के लिए, बहुत खुश हूँ उसके लिए, और आगे अगर वो बिग बॉस में दिखाई देता है तो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू। माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आई एम गोना ट्राई फॉर रोडीज आई थिंक, और शायद किसी वेब सीरीज में भी मैं देखा जा सकता हूँ। व्हाट थ्रेट? रेप थ्रेट। थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स आई थिंक इंसान कुछ भी करे उसके लिए सही नहीं है, कोई भी लड़की डिजर्व नहीं करती कि उसको कोई रेप थ्रेट्स दे, क्योंकि ये हमारा देश इंडिपेंडेंट बन चुका है। आज के डेट में जैसे आज निर्भया टाइप का एक और केस कोलकाता में देखा गया, आई डोंट थिंक कि रेप थ्रेट्स जैसी चीज़ें होनी चाहिए आज के टाइम में। सब पढ़े लिखे हैं, देश बहुत आगे बढ़ चुका है, और ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। आपकी बहन भी, आपके घर में भी मम्मी है सबकी, तो मैं आपको भी अच्छा लगेगा अगर आपके घर वालों को भी रेप थ्रेट्स आएंगे। तो यार कोई इंसान इतना गलत भी नहीं होता कि कोई आपको रेप थ्रेट्स भेजे, तो यही बोलना चाहूँगा कि यार
जैसी भी लड़की जो भी है उसको आपको अगर लग रहा है वो गलत है, आप उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए जो उसने किया गलत, लेकिन रेप थ्रेट्स किसी को देना बहुत ही गलत है और मुझे, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। थैंक यू। I'm so excited, very happy for Digvijay, very happy for Digvijay and everyone, glad बहुत टाइम से लोगों को नहीं मिले, बहुत टाइम से मेरे फेलो स्विट्जरलैंड से नहीं मिली हूँ, तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड वेरी हैप्पी फॉर दिग्विजय, जशकृति एंड एवरी वन, सबको आई थिंक बहुत सक्सेस मिली है आफ्टर द शो, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर एवरी वन। कशिश के लिए क्या बोलना चाहेंगे? कशिश, देखो कशिश इज माई गुड फ्रेंड, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स पहले, बट आई थिंक वी हैव थोड़ा बिच, बहुत टाइम दे रहे भाई। I think Kashish and me, we've had a little bit of fallout, but as a person, Kashish is really good from heart, and usne jo bhi decision liya, not a lot of people were very disappointed with that, but Kashish, I am happy for her. I think overall, usko bahut success milegi in the future as well, and I hope people will forget about this a little mistake that she made or whatever, but I'm happy for her. Like, I hope she does well. Yeah, it's sad whatever people are commenting on her, I know people are not happy with the decision that she made, but I think people should stop the trolling, that whatever she is getting, the hate comments that she's getting, it's too much, because overall she's also a human, who be human here, and then she's going through a really tough time abhi, and I hope she gets over it, and I want her to know, like, if she's watching, I want to know that you're really a good person, and I wish you all the best. I'm really excited to watch both of them on Big Boss. I think it'll be really exciting. I think both are very deserving to be on Big Boss. Yeah. Thank you. Romeo.